What's up guys, this is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel. Well guys, ये है Complete Beginner's Guide Series और आज है Tuesday, यानी कि हम आज train करने वाले हैं chest. अब जैसा कि जिन लोगों को Complete Beginner's Guide के बारे में नहीं पता, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जिन लोगों को workout करते हुए एक महीना हो चुका है और अब उन्हें नहीं पता कि आगे exercises कैसे करनी है, तो उन लोगों के लिए specially मैंने ये program design करा है. अब जैसे हमने मंडे को यानी कि कल हमने बैक ट्रेन करी थी, तो अब तो जिन लोगों ने वो बैक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ये लिंक चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं कैसे क्या करना है, तो मेक श्योर आप वो वीडियो चेक करिए. और उसी तरह आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, तो चेस्ट वर्कआउट में मैं आपको वो सारी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए. और चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक दोस्तों. तो सबसे पहले हम वार्म अप करने वाले हैं और उसमें हम करेंगे पुशअप्स और इसके हम करेंगे 3 से 10 to 20 रेप्स के. अब दोस्तों यहाँ पे जिनको पुशअप्स करने नहीं आते वो ऊपर एक साइड में लिंक आ रहा है, उसको चेक कर सकते हैं. इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप पुशअप करना सीख सकते हैं. अगर आपको पुशअप्स करने नहीं आते तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है. अगर आप एक भी पुशअप नहीं कर पाते तो गारंटी ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वार्म अप ख़त्म होता है, बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की ओर. तो पहली एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट प्रेस मशीन और इसके हम 3 सेट करेंगे 10 to 15 रेप्स के. अब दोस्तों चेस्ट प्रेस स्टार्टिंग में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो मशीन है और प्रॉपरली हमारी चेस्ट पे फोकस करती है, ब्लड फ्लो पूरी चेस्ट में हमारा इसमें बहुत अच्छे से होता है, इसलिए हम अपनी स्टार्टिंग एक्सरसाइज में चेस्ट प्रेस मशीन रख रहे हैं. अब इसमें आपने क्या करना है, हाथ जब आपके पीछे आएंगे आपने अच्छे से चेस्ट को स्ट्रेच करना है, कोहनियाँ थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए और आगे ले जाके चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करना है. तो ये थी दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज. अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की ओर. तो दोस्तों सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी स्मिथ मशीन फ्लैट बारबेल बेंच और इसके हम 3 सेट करेंगे 10 to 15 रेप्स के. अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्मिथ मशीन यूज़ इसलिए करने को कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप फ्री बारबेल से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो बारबेल का वेट दोस्तों मेंटेन करना, बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है. तो आपने स्मिथ मशीन आपको यहाँ पे इसलिए हेल्प करती है कि एक तो ये रॉड जो है वो फिक्स रहती है, आपको चेस्ट में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच और बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है. क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बारबेल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, जो फोकस है वो आपका पूरा चेस्ट पे रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आपने स्मिथ मशीन यूज़ करनी है. इसकी जो फॉर्म है, हाथ आपने जो कोनियाँ हैं वो हल्की सी बेंड रहेगी, 180 डिग्री नहीं करनी और प्रॉपर अच्छे से चेस्ट को स्ट्रेच करना है. जैसे आप मैंने देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बॉडी की तरफ मेरी कोनियाँ बेंड हैं और ऊपर ले जाके मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर रहा हूँ चेस्ट को. तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज. अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर. तो दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज में हम सेम वही करने वाले हैं, बस बेंच हमारी इंक्लाइन हो जाएगी, थोड़ा सा एंगल आपका 45 डिग्रीज रहेगा बेंच का. और दोस्तों सेम एक्सरसाइज आपने वही बारबेल बेंच करनी है इंक्लाइन पे. टेक्निक जो है दोस्तों करने की वो वही सेम है, कोनियाँ जो हैं वो आपकी बॉडी की तरफ थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए. मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो कोनियाँ हैं वो 180 डिग्रीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बेंड होगी. और जब आप बारबेल नीचे लाएंगे तो चेस्ट को आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करेंगे और जो बारबेल है वो आपने अपनी बॉडी में टच नहीं करनी. आपने ये ध्यान रखना है कि बस आपकी जो चेस्ट है वो फुली स्ट्रेच होनी चाहिए और ऊपर ले जाके अच्छे से चेस्ट को स्क्वीज़ करना है. दोस्तों ये इसकी प्रॉपर टेक्निक है करने की. जो लोग यहाँ पे टच करना चाहते हैं वो ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर ये रहता है कि जितना आपको चेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर स्क्वीज़ मिले चेस्ट को. तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज. अब बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की ओर, जो कि है बटरफ्लाई या फिर इसे पैक डेक भी कहते हैं. इसके हम 3 सेट करेंगे 10 to 15 रेप्स के. दोस्तों चेस्ट की जो अलाइनमेंट होती है, जो दो चेस्ट के बीच में गैप आता है,
वो बटरफ्लाई से आता है, बीच की जो लाइन आती है वो बटरफ्लाई से आती है। इसका टेक्निक क्या है कि हाथ जब आपने पीछे ले जाने हैं तो कोनियों के थ्रू आपने चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है और आगे ले जाके एकदम चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट में डेफिनेशन लाने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, बढ़ते हैं अब फिफ्थ एक्सरसाइज की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल पुलओवर्स, और इसके भी हम तीन सेट करेंगे 10-15 रेप्स के। अब दोस्तों यहाँ पे जो डंबल पुलओवर्स है ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट वर्कआउट को फिनिश करने के लिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट में जो मास डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज लोग ढूंढते हैं। तो ओवरऑल चेस्ट की डेवलपमेंट हमारी इस एक्सरसाइज से पूरी होती है। तो मेक श्योर आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें, और मैं अब आपको इसकी मूवमेंट बताता हूँ कैसे करना है। आपने हाथ जब दोस्तों आपके पीछे जाएंगे तो आपने चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करना है और आगे ले जाके, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब डंबल मेरी चेस्ट के ऊपर आते हैं तो मैं एक बार चेस्ट पे टच करता हूँ और वापस ऊपर ले जाके फिर पीछे ले जाता हूँ। ये करने का यहाँ पे दोस्तों रीज़न ये है कि इससे आपकी चेस्ट को बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। हाथ जब आपके नीचे जाएंगे चेस्ट पे, जब आप डंबल टच करेंगे तो मेक श्योर आपकी कोनी ज़्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरी कोनियाँ बॉडी के बिल्कुल पास में है और चेस्ट पे टच करके डंबल मैं वापस ले जा रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आए, स्ट्रेच हमारा चेस्ट हो ही रही है क्योंकि हम डंबल अच्छे से पीछे ले जा रहे हैं। तो ये दोस्तों मेक श्योर आप ज़रूर ट्राई करें और इस तरीके से एक बार आप करके देखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज, और यहाँ पे अब हमारा चेस्ट वर्कआउट ख़त्म होता है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप सारी एक्सरसाइजेस को ढंग से परफॉर्म करिए। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, ढंग से समझिए कि कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज लाइक दिस। और दोस्तों कल वेडनेसडे है, यानी कि कल शोल्डर वर्कआउट है हमारा, और मैं शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज लेके आऊँगा और इसी तरीके से समझाऊँगा हर एक एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। तो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ और आपको वर्कआउट अच्छे से पता लग पाए। ऑलराइट देन, मैं आपसे कल मिलता हूँ। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़।